जन जन की आवाज़ जेएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और संजय सेठ ने प्रेस वार्ता की जो कि रांची के सांसद हैं, और उन्होंने ये बताया कि हमने बूट बैंक की जो शुरुआत की थी उसकी बेजोड़ सफलता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ही सराहा है। आपको बताते चले कि मोदी जी से मिले थे सांसद अभी हाल में, 3-4 दिन पहले दिल्ली में मिले थे संजय सेठ। तब संजय सेठ ने प्रेस वार्ता में बताया कि मैं बहुत शॉक्ड हो गया जब मोदी जी ने मुझसे कहा कि आपका जो बूट बैंक है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो संजय सेठ ने कहा कि मैं बहुत शॉक्ड हो गया कि देश के प्रधानमंत्री जो इतने बड़े लीडर हैं उनको इतनी छोटी छोटी बात भी पता है कि मेरा कौन सा योजना चल रहा है, क्या किस तरह के प्रोग्राम हम चला रहे हैं, उसके बारे में इतना पैनी नज़र वो रखते हैं। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया। और उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आपको एक टॉय बैंक की भी शुरुआत करनी चाहिए। अब जो गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उन्हें खिलौने देखने नसीब भी नहीं होता है। तो उनके लिए संजय जी आप एक टॉय बैंक शुरुआत करिए और उनको दूर दराज इलाके में और गांव देहात के इलाके में गरीब बच्चों के बीच बांटिए। आइए सुनते हैं संजय सेठ ने क्या कुछ कहा। इस पूरे टॉय बैंक अभियान को और रजनी आनंद जी को सह संयोजक बनाया है। अब ये लोग पूरी रचना करेंगे, क्या ठेला निकाल कर जैसे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में किया कि ठेला निकाल कर या किसी तरह ऑटो में हम सब कोई रथ बनाकर इकट्ठा करें, और क्या मॉड्यूल हो सकता है। एक मॉड्यूल तो है जो फ़ोन करेगा हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, एक मॉड्यूल है कि लोग यहाँ आके खिलौना देंगे। लेकिन अब ये संकल्प है मेरा कि रांची लोकसभा के अंदर जो गांव में बच्चे हैं जिन्होंने कभी खिलौना नहीं देखा, कभी उसके दर्शन नहीं किए खिलौना क्या होता है, उनके उनका बचपन अब किलकारी वाला बचपन होगा। वो भी अब खिलौने, जैसे शहर के बच्चे खिलौने से खेलते हैं, अब गांव के बच्चे भी खिलौने से खेलेंगे। और आज इसकी शुरुआत भी हमने कर दी है। आज आपको सूचना देंगे, कडरू में हज हाउस है, हज हाउस के ठीक सामने एक ट्राइबल बस्ती है इमली टोला, ठीक मस्जिद के बगल में। वहां 4 बजे वहां के ट्राइबल बच्चों को हम खिलौना देने जा रहे हैं, जो खिलौना आज मेरे पास आ रहे हैं। और वहां पे एक और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं स्वरोजगार की। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बहुत प्रेरणा दी कि समाज में राजनीति भी करना तो सामाजिक काम करना होगा, सिर्फ धरना प्रदर्शन से जनता आकर्षित नहीं होगी, आपको समाज में जाना होगा, समाज में जो कुरीतियां उनको खत्म करना होगा, समाज के साथ मिलकर के काम करना होगा। और इसीलिए स्वरोजगार के रूप में आज वहां पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी हमने पिछले 10 दिन से वहां ट्रेनिंग दी थी, मसाला पैकिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, खिलौना बनाने की ट्रेनिंग, आज इसकी शुरुआत, हमने रूम भी बनवा दिया वहां पे। आज 4 बजे इमली टोला है, वहाँ ट्राइबल बस्ती है, मुस्लिम महिलाएं भी हैं वहाँ पर, उनको उनके घर में रोजगार। अभी जब ट्रेनिंग हो रही थी तो वहाँ कुछ नशा भी लोग करते थे, तो उनका नहीं, जब से ट्रेनिंग शुरू हुई नशा छोड़ दिया कि रोजाना 250-300 रुपये महिलाएं कमा ले लेंगी। तो 4 बजे हम इसकी शुरुआत भी वहाँ कर रहे हैं, आप सब आमंत्रित भी हैं वहाँ पर। और इसी तरह एक मॉड्यूल आज एक हम पायलट प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है, इसी ये पायलट प्रोजेक्ट पूरे रांची लोकसभा में इसको हम चलाएंगे। और पिछले दिनों 15 दिन पहले जब हम पार्लियामेंट जा रहे थे, उसके पहले ठाकुर गांव में, सिल्ली में और चांडिल में बड़ी मात्रा में खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार के द्वारा चाक का वितरण कराया, जो कुम्हार हाथ से चलाते थे चाक, अब इलेक्ट्रॉनिक चाक, निशुल्क चाक। पहले उनकी ट्रेनिंग हुई 10 दिन की, आप लग के बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, हम चाय भी पी रहे हैं उनके साथ, यहाँ तक कि नोट्स भी दिए बच्चों ने, किताब तो दे देंगे, नोट्स बनाने में महीनों लग जाते हैं, नोट्स भी दिए बच्चों ने। अब वो नोट्स बच्चों के लिए, आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक विटामिन का काम किया। और जब इस बुक बैंक की सफलता के बाद हमने गजेट बैंक भी बनाया, हाँ हम स्वीकार कर रहे हैं, हमने कहा तो आह्वान किया भाई कंप्यूटर लैपटॉप ऐसा हो तो दो, उसमें उतनी सफलता हमको नहीं मिल पाई जितनी हमको आशा थी। आए कंप्यूटर्स, आए लैपटॉप आए, लेकिन जितने हमको उम्मीद थी कि नहीं सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऐसे ही पड़े रहते हैं,
नया वर्जन आ जाता है तो दे देंगे, तो गांव तक बच्चों को हम देंगे, तो उस बड़ी संख्या में नहीं आ पाया। किंतु अब जो ये नया टास्क हमको मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया टॉय बैंक, अब ये टॉय बैंक इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है जिस तरह बुक बैंक में लाखों पुस्तकें आई, हमारे पास लाखों की तादाद में टॉय बैंक टॉयज आएंगे, खिलौने आएंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री से मिले और समाचार पत्रों में आया, उसी दिन से लोग फोन करने लगे कि हमारे यहाँ भी बहुत खिलौने हैं, हमारे यहाँ भी बहुत खिलौने, हमारे यहाँ बहुत खिलौने हैं। अभी हम सिस्टम इसका डेवलप करेंगे कि कैसे हम इकट्ठा करें। ऐसे हमको कोई फोन करेगा हमके घर चले जाएंगे, हमको कोई फोन करेगा तो हमारे कार्यकर्ता चले जाएंगे, टॉयज लाएंगे। हाँ, टॉयज को रख कर उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे हम आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुँचा देंगे, हम बाल सुधार गृह तक पहुँचा देंगे, जहाँ अनाथ बच्चे हैं वहाँ तक पहुँचा देंगे। टॉयज को रखेंगे नहीं, कोशिश करेंगे टॉयज आया दो तीन दिन के अंदर किसी आंगनबाड़ी केंद्र पहुँचा दिया, हमारा कार्यकर्ता पहुँचा दिया। और कलेक्शन सेंटर का भी मॉड्यूल अभी हम तय करेंगे, अभी उसमें हमने हमारे धनंजय जी, पुस्तकें आ रही, रोजाना पुस्तकें जा रही हैं। शुरू में हमने सिस्टम रखा कि भाई कंप्यूटर में फीड हो जाए, लेकिन कंप्यूटर इतने हजारों लाखों किताबों को कंप्यूटर फीड करना असंभव हो गया मेरे लिए, हमने फ्री कर दिया कि आप किताबें लाओ और किताबें ले जाओ। और अभी जो लगभग 2,37,000 से ऊपर किताबें कल तक आ चुकी मेरे पास, 2,37,000 किताबें, आप अंदाज लगाओ 2,37,000 किताबें घरों के दुछत्ती में पड़ी रहती थी, वेस्टेज था, दीमक खा रही थी, रद्दी में बिक जाती। वो 2,37,000 किताबें लाकर एक साथ नहीं आई, रोजाना कभी 200 के, 500 कोई, 1,000 ऐसे आती गई, और उसको इकट्ठा करके बाइफरकेट करके उनको रखना। और उसके बाद आप अंदाज लगाओ कि 1,00,000, कल की तारीख बता रहे हैं, 1,88,000 किताब पूरे झारखंड, रांची लोकसभा नहीं, दुमका, साहेबगंज, पलामू, गढ़वा से लोग आ रहे बच्चे कि अंकल कहाँ मिलेगा किताब, आ जाओ बेटा। 1,88,000 किताब बच्चों के, ऐसे बच्चे जिसका आर्थिक अभाव था, जो किताब नहीं खरीद पा रहे थे, उनके उनके बस्ते तक चला गया। और चाहे वो मेडिकल की पुस्तकें हो, आईआईटी की पुस्तकें हो, लॉ की पुस्तकें हो, इनकम टैक्स की पुस्तकें हो, चाहे वो बच्चों की, हर क्लास के बड़े अच्छे अच्छे नॉवेल्स भी, हमको कल्पना नहीं थी कि इतनी अपार सफलता मिलेगी। हमने सोचा था कि 10,000-20,000-25,000 किताबें रख के कुछ चलाएंगे, लेकिन इतना उत्साह रांची वासियों ने दिखाया कि बुला बुला कर, और हम भी ये रहे तो हम उनके घर बजे, इमली टोला है वहाँ, ट्राइबल बस्ती है, मुस्लिम महिलाएं भी हैं वहाँ पर, उनको उनके घर में रोजगार। अभी जब ट्रेनिंग हो रही थी तो वहाँ कुछ नशा भी लोग करते थे, तो उनका नहीं, जब से ट्रेनिंग शुरू हुई नशा छोड़ दिया, कि रोजाना 250-300 रुपये महिलाएं कमा ले लेंगी। तो 4 बजे हम इसकी शुरुआत भी वहाँ कर रहे हैं, आप सब आमंत्रित भी हैं वहाँ पर। और इसी तरह एक मॉड्यूल आज एक हम पायलट प्रोजेक्ट हमने तैयार किया, इसी ये पायलट प्रोजेक्ट पूरे रांची लोकसभा में इसको हम चलाएंगे। और पिछले दिनों 15 दिन पहले जब हम पार्लियामेंट जा रहे थे, उसके पहले ठाकुर गांव में, सिल्ली में और चांडिल में बड़ी मात्रा में खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार के द्वारा चाक का वितरण कराया, जो कुम्हार हाथ से चलाते थे चाक, अब इलेक्ट्रॉनिक चाक, निशुल्क चाक, पहले उनकी ट्रेनिंग हुई 10 दिन की। तो आपने साफ तौर पर संजय सेठ को कहते हुए सुना कि टॉय बैंक, खिलौने बैंक की शुरुआत हो चुकी है, और जो भी चाहते हैं ऐसे डोनेट करना टॉय, वो मेरे कार्यालय में दे सकते हैं, इन्हें 2 दिनों के अंदर हम पहुंचा देंगे उन बच्चों तक, ताकि वो अपना बचपन खुल के जी सके। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।